बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने आज लखनऊ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बहन जी की पार्टी समाजवादी पार्टी और बहुजन भारतीय जनता पार्टी के दोनों कार्यकारियों से अगर मिलान किया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को, सुरक्षा को, महिलाओं की शिक्षा को, रोजगार को और गरीबों के मकानों को किस तरह से अपने सुरक्षित किया, ये किसी से छूटा और झूठा दिखता नहीं है, ये हर और हकीकत है। जिस तरह समाजवादी पार्टी या बहुजन भारतीय जनता पार्टी में नौकरियों का अकाल पड़ रहा है और धीरे धीरे नौकरियां खत्म की जा रही हैं, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, ये सब चीज समझी साजी। रिजर्वेशन तो अपने आप ही खत्म हो गया, किसी को भी नौकरी नहीं मिल रही है। प्रदेश में जितनी नौकरियां सरकारी थी, लाखों की संख्या में पीडब्ल्यूडी में मिलती थी, इरिगेशन डिपार्टमेंट में मिलती थी, नगर निगम में मिलती थी, नगर पालिका में मिलती थी, ब्रिज कॉर्पोरेशन में मिलती थी, जल निगम में मिलती थी, इसी तरह की अन्य संस्थाओं मिलती थी। इन्होंने वहां सब रोक लगा दी, कहा कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी यहाँ पर, और कहा क्या जाएगा, कुछ ठेकेदारों के हाथों में उनको बेचने का काम कर दिया और ठेकेदारी में नौकरी दी जाएगी। तक पढ़ाई की जो जिम्मेदारी थी ऐसी लड़कियों की सरकार ने कहा था हम खुद उठाएंगे, उन्होंने झोपड़ियों में जाकर के, और जिस तरह से ये लोग जाते हैं ड्रामेबाजी करते हैं, नाटक करते हैं, नाटक करके और वहां पर क्या करते हैं, खाना खाते हैं, कहते हैं हम तो दलितों के घर में आए, गरीबों के घर में आए, हम यहाँ पर झोपड़ी में देखो खाना खा रहे हैं, और मीडिया को साथ में ले जाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, और लेकिन उस असलियत क्या उसके पीछे होती है, पहले से खाना जाता है बंद करके, पहले से इनके बर्तन जाते हैं और उसके बाद जा करके ये दिखावे के लिए वहां पर बैठ करके खाना खाने का काम करते हैं और तस्वीर खिंचवाते हैं। बहन मायावती जी ऐसा नहीं करती, बहन मायावती जी झोपड़ी में ना जा करके, झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनको झोपड़ी से निकाल करके और दो दो कमरे के पक्के मकान मुफ्त में देने का काम बहन जी मायावती जी ने किया।